हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल खनम सिस्टर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हैदराबाद की बहुत ही फेमस शाही टुकड़े का रेसिपी, और वो भी बहुत ही अलग अंदाज में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से। तो चलिए हम अपना रेसिपी शुरू करते हैं। तो शाही टुकड़े के लिए मैंने पहले क्या किया है, 4 ब्रेड लिए हैं और ब्रेड को ऐसे मैंने ट्रायंगल शेप में कट कर लिया। वो ब्रेड का जो ब्राउन साइड है उसको कट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे रहने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं क्या करूँगी, ब्रेड को घी से फ्राई कर लूँगी। पैन में थोड़ा सा घी लगाऊँगी और अच्छे से ब्रेड को घी में फ्राई कर लूँगी। दोनों साइड से अच्छे से हमें ब्रेड को फ्राई कर लेना है। आप उसको ऑयल में भी कर सकते हैं, लेकिन घी से करना ज़रूरी है, इससे उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए, मैंने उसको पलट दिया, दोनों साइड से हमें इसको ऐसे ब्राउन कर लेंगे। तो चलिए, ये हमारा ब्रेड फ्राई हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक पैन में 200 ml मिल्क, क्योंकि मेरा ब्रेड कम है तो इसलिए मैंने कम ही मिल्क यूज़ किया है। आपको जितना चाहिए उतना ले सकते हैं। अभी इस मिल्क को हम अच्छे से बॉईल करेंगे, मतलब इसको इन शॉर्ट हमें गाढ़ा करना है। ये देखिए, मेरा 200 ml ऑलमोस्ट 100 ml से भी कम हो। हाँ, ये प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन थोड़ा तो टाइम लगेगा अच्छा स्वीट बनने के लिए। तो मैंने अभी एक पैन में थोड़ा पानी लिया है और इस पर मैंने ऐड किया है शुगर। मैं शुगर सिरप रेडी करूँगी। थोड़ा टाइम हम क्या करेंगे, शुगर सिरप को अच्छे से बॉईल करेंगे, जैसे कि पूरा हमारा शुगर मेल्ट हो जाए। अभी मैं प्रिपेयर करूँगी थोड़ा कस्टर्ड। तो इसके लिए मैंने एक पैन ली है, उसमें मैंने थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है, फिर मैं ऐड करूँगी शुगर, और अभी मैं उसमें ऐड करूँगी कस्टर्ड, जिसको मैंने ऑलरेडी एक कप में मेल्ट कर लिया था। कस्टर्ड पाउडर आपको पता है कैसे बनाते हैं ये, तो प्लीज़ आप ऐसे बनाएं। तो ऐसे अच्छे से ये मैं कस्टर्ड प्रिपेयर कर लूँगी। सारे चीज़ों को अभी मैं साइड में कर लूँगी। और अब जो मैंने ब्रेड फ्राई किया था घी में, उसको लेके एक एक पीस को मैं जो शुगर सिरप बनाया था उसमें मैं अच्छे से डिप करूँगी। दोनों साइड से हमें अच्छे से शुगर सिरप में डिप करना है। टेंशन मत लीजिए, ये नहीं टूटेगा क्योंकि ऑलरेडी फ्राई किया हुआ है। अभी मेरा ये देखिए, सबको मैंने डिप करके ऑर्गेनाइज कर लिया है एक प्लेट में। और मैंने लिया है एक थोड़ा सा कोकोनट, उसका मैंने पेस्ट बना लिया कोकोनट का, मतलब आप उसको ग्राइंड करके ले लें। मैंने कोकोनट को ग्राइंड कर लिया था। अभी जो हमने प्लेट रेडी किया था उसके ऊपर जो हमारा मिल्क था उसको डालेंगे धीरे धीरे से। इस लेयरिंग टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये लेयरिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो आप अच्छे से थोड़ा पेशेंस रखिए, ये लेयरिंग कीजिए। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। हम अभी जो हमारे सारे सामान हैं ऐसे एक एक करके उसके ऊपर लेयर करेंगे। पहले मैंने मिल्क का लेयर किया, और अभी मैं इस पर ऐड करूँगी जो कस्टर्ड बनाया था ना हमने, उसका मैं एक लेयर डालूँगी उसमें। ऐसे ही करके हम 2-3 लेयर डालेंगे, जो जितना भी हमने बनाया था कस्टर्ड और मिल्क और जो हमारा कोकोनट पेस्ट है, वो सब हम ऐसे लेयर पे डालते जाएंगे। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, आलमंड या पिस्ता या
काजू, कुछ भी आप उसमें अच्छे ऐड कर सकते हैं। देखा ना कितना इजी रेसिपी है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से हमारा ये शाही टुकड़ा बनके रेडी हो जाता है। एक्चुअल में तो ये हैदराबाद का फेमस शाही टुकड़ा है, लेकिन मैंने इसमें अपने आसाम का स्टाइल अप्लाई किया है। फूड के साथ एक्सपेरिमेंट करना मेरा शौक है और अच्छा भी लगता है। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कैसा हुआ। आप उसको देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना टेस्टी हुआ है। स्टेप बाय स्टेप मैं लेयरिंग करती जा रही हूँ, आप भी ऐसे ही लेयरिंग कीजिए। तो चलिए ये देखिए हमारा शाही टुकड़ा हैदराबादी और असम स्टाइल का रेडी हो गया। होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।